सारे महीनों का सुल्तान आ गया है। पढ़ लो कुरान लोगो, रमजान आ गया है। सारे महीनों का सुल्तान आ गया है। पढ़ लो कुरान लोगो, रमजान आ गया है। रहमत में लिपटी रातें, रहमत में लिपटी घड़ियां, होगी मस्जिदों में रौनक जिक्रो अमल की बातें। लोगो लोगो अमल बढ़ाओ, रमजान आ गया है। सारे महीनों का सुल्तान आ गया है। पाकीज़गी तहारत मतलूब है खुदा को, हर अश बहार तौबा महबूब है खुदा को। तौबा तौबा कदर गुलाग है, गुफरान आ गया है। पढ़ लो कुरान लोगो, रमजान आ गया। हम संदी हम दो सरा तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह वहदहू ला शरीक ला दी ज़ात वास्ते खास, जिहड़ा कुल कायनात दा दाता मुश्किल कुशा हाजी तरवा रंज बख्श गंज बख्श लजपाल गरीब नवाज, दुनिया दे जर्रे जर्रे दा दस्तगीर अला कुल शयइन कदीर, नहनु अकरबु अलैहि मिन हब्लि वलीद वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद। उस सुबह लखा दी करोड़ां दरुद व सलाम इमाम कायनात सरवर कायनात इमाम कुल फखर रसूल जनाए सबुल मौला कुल थवाड़ी और मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जात व बरकात वास्ते खास। अल्लाह पाक दा जिन्ना भी शुक्र अदा करिए थोड़ा है कि जिस अल्लाह ने सानू रमज़ानुल मुबारक दा महीना नसीब फरमाया और फिर इस महीने दे अंदर बरकत वाला अल्लाह रब रहमान ने जुमा नसीब फरमाया। जुमे दे अंदर आने वालों बड़ी तवज्जो दे नाल बाद सुनना, ये तर्जमा ये जुमा एक तर्जमे की क्लास होंगी है, याद करन दी क्लास होंगी है। ये अंदरों जो तुम सुनना है वो याद कर लेना है और जाके घर वालों याद कराना है, दोस्तों बेलियां जाके याद कराना है। ये जो बच्चे टेक ला के बैठे ने ना, ये इस जगह पर आ जाओ, जिहड़ा बुजुर्ग है वो टेक ला सकता, वरना टेक लाने की इजाजत नहीं होंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे ने हमदन गोश हो के गोडे छड़ के पूरा जुमा सुनिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह 750 खुतबा जुमा का सवाब अता कर दे। और ये आम दिनों की गल है, अगर रमजान मुबारक के अंदर लैके आओ ना तो एक नेकी का अजर 70 गुणा बढ़ा दिता जाता है। तो तुम आप ही जरब दे रहे हो 750 कितने पहुँच जानी है। तो बड़ी तवज्जो के नाल बाद में सुनना, अल्लाह रब रहमान सारे सारे उत्ते रहम फरमाए। अज रमज़ान मुबारक का पहला खुतबा जुमातुल मुबारक है और अज का इंशाअल्लाह उल अजीज जुमा का अनवान तौबा इस्तगफार है। मेरे मोहतरम भाइयो, गुनाह एक अंधेरा है और नेकी एक सवेरा है। गुनाह करन नाल चेहरे ते सियाइयां आंदियां ने और नेकी करन नाल चेहरे ते नूर आंदा है। गुनाह करन दी वजह करके रिजक दे दरवाजे बंद हो जांदे ने और नेकी करन नाल रिजक दे दरवाजे खुल जांदे ने। गुनाह करन नाल सब नो ज्यादा असर गुनाह दा इंसान दे दिल दे उत्ते पैंदा है। जिस तरह के पानी का एक सफेद गिलास लाओ ना, वो अंदर कोक की बोतल पाना शुरू कर दो, ऐसा ऐसा वो पानी जो सफेद है सिया हो जाएगा।
अल्लाह ने साडे दिल नू सफेद पानी तरह बनाया है, लेकिन गुनाह कर करके इहदी जिहड़ी रंगत है उह स्याह हो चुकी है। सब नू ज़्यादा गुनाह दा असर दिल दे उत्ते हुंदा है, और दिल का जिहड़ा इसलाह का मामला है वह सब नालों ज़्यादा तौबा ते इस्तिगफार दे नाल अटैच। यानी कि अगर दिल पाक करना चाहते हो, साफ करना चाहते हो, तो फिर तौबा इस्तिगफार करना पैना। इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह बसरा दे बाज़ार दे अंदर जा रहे हैं, इन्होंने वेख्या कि एक हकीम की दुकान से बड़ा रश लगे, लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं, मजूना दे रहे हैं। तो इमाम साहब अंदर दाखिल हो गए तो हकीम को कहन लगे, ओए हकीमा, क्या तेरे को कोई ऐसी मजून और दुआ है जिहड़ी दिल नू शफा दे दे? कोई ऐसी तेरे को दवाई है कि मेरे गुनाह माफ हो जावन? तो जिहड़ा सीना वो हकीम वह भी रब की याद च गर्क होया बैठा, वो कहिंदा आहो मेरे को इलाज है कि तेरे गुनाहों तू छुटकारा मिल जाएगा। की इलाज है तेरे को? उन्हें कहा तकवे दियाँ जड़ां लै लो, अज़ो इनकिसारी दियाँ जड़ां लै लो, तौबा दियाँ गिटकां लै लो, इस सकामत दे चट्टू च पा के इन्हों कुट लो। जो ये नुस्खा तैयार हो जाए ना, फिर याद इलाही की देचकी लै लो और थले मुहब्बत इलाही की अग बाल लो और इस नुस्खे नू पका लो। जो ये नुस्खा पक के तैयार हो जाए, इनू सबर के प्याले दे विच पा लो। जो सबर के प्याले च पा लो, फिर इनू शुकर के पखे की जल नाल ठंडा कर लो, अलहमद की चमची नाल खा लिया जे, अल्लाह थोड़ी दिल की मर्द भी सही कर देगा, अल्लाह गुनाह भी माफ़ कर देगा। तो गुनाह का ताल्लुक इंसान के दिल के नाल होता है। आइए जरा गौर कीजिए, तवज्जो दे नाल बात नूं सुनना। मैं इंशाअल्लाह गुल अज़ीज़ इस थोड़े जे टाइम नूं कीमती बना लिया होया, तौबा इस्तिगफार के हवाले दे नाल चंद एक अहम बातें करांगा। दुआ है अल्लाह मैं जिनी देर बयान करा, अल्लाह पाक मैनू हक बात बयान करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह, नबी पाक का नाम आवे तो तुसीं दुरूद पढ़ना है। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। हज़राते ज़िवकार जरा गौर करो, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वालो, मेरे नबी पाक नाल प्यार करने वालो, रब्बे कायनात ने तेरा ते मेरा हीरो बनाया, तेरा ते मेरा आइडियल बनाया, रब्बे कायनात ने आमीना दिलाल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो दिलो जान जिदे नल लौना है, उदा नाम मुहम्मद सोना है। दिलो जान जिदे नल लौना है, उदा नाम मुहम्मद सोना है। इंज रखे आ रब ने ना चुनगे, पिया कम दबुराक विता सुन गे, पिया कम दबुराक विता सुन गे। ओए लोगो, उन्दे वर्गा भला कोई होना है जिदा नाम मुहम्मद सोना है। विच गशर दे लोकी रुल वैसन, नबी उम्मतानो ते बुल वैसन, नबी उम्मतानो ते बुल वैसन। जै तेरे काम उते आना है, उदा नाम मुहम्मद सोना है। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ ना सारियां परेशानियां दा हल अल्लाह रब रहमान दा कुरान है, और दिल दिया मर्जा दा इलाज सिर्फ और सिर्फ रब दा कुरान है, अल्लाह रब रहमान दा कुरान है। सूरतुत तहरीम उनकी जनाब ऐत नंबर 8 है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमा रहे ने, अल्लाह फरमांदे ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू
اللہ توبتا نسوہ اللہ فرماندے نے اوئے مسلمانو ایک کیٹاگری مسلمانے ایک کیٹاگری مومنے اللہ نے مومناں نو مخاطب کیتا ہے کیونکہ کوئی ایمے روزے دا نہیں نہ رکھدا روزے کوئی رکھدا ہے جڑا ایمان والا ہے اللہ نے تھانو مخاطب کر کے گیا ہے اللہ رب رحمان کی فرماندے نے فرمایا توبو اللہ توبو اللہ توبہ کر لو اللہ واسطے توبہ کر لو اللہ واسطے پھر ایویں کیویں دی توبہ نہیں کہ رمضان چ توبہ کر لئی باقی یار مہینے گناہ کرتے رہے ہوں اللہ فرماندے نے توبہ نسوہا پکی توبہ کر لو اس توبہ نو پھر توڑنا نہیں اسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم اللہ فرماندے نے توبہ کرنا تھوڑا کام ہے تھوڑا رب توبہ کرن دی وجہ تو تھوڑے گناہاں نو دور کر دے گا تھوڑے گناہاں نو معاف کر دے گا یعنی کہ توبہ کرنا ساڈا کام ہے تے گناہاں نو معاف کرنا اللہ رب رحمان دا کام ہے اسا رب گم کفران گم سیاد گم اللہ فرماندے نے توبہ کرو گے میں دنیا تے تھوڑے گناہاں نو معاف کر چھڈاں گا اللہ دنیا تے گناہ معاف کرے گا اللہ اگے کی دےوے گا اللہ فرماندے نے مایود خلقم جنات تجری من تحت الانہار اللہ فرماندے نے اوئے بیلیو دنیا تے توبہ کرو گے گناہ معاف کراں گا کل کے آمد دا دن ہوئے گا جدوں اللہ دی عدالت اندر آو گے میں اللہ تہانوں جنت عطا کراں گا اور کوئی عام جنت نہیں ہے تجری من تحت الانہار جتے تھلو نارا وینیاں ہوں گیا لا یجزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ اللہ فرماندے نے جڑے توبہ کرن گے پکی توبہ کرن گے رمضان دا مہینہ پہلا جمعہ ہے تیرے گل وقت ہے یارہ مہینے گناہ ہو گئے نے اج پکی توبہ کر لے گناہ معاف ہون گے اس تو بعد جناب جنت ملے گی پھر عام جنت نہیں ملے گی اللہ رب رحمان فرماندے نے جنت دے اندر محمد دا ساتھ مل جائے گا جنت دے اندر نبی دے نال ہوئے گا جڑا بندہ دنیا تے پکی توبہ کر لیندا اے اگے اللہ فرماندے نے والذین آمنوا معو نورهم یسعى بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر اللہ فرماندے نے اوئے مسلمانو نبی دا ساتھ ملے گا پھر میدان معاشر دے اندر جڑی گرمی ہوئے گی اس بندے دے اگے بھی روشنی ہوئے گی اندے دائیں بھی روشنی ہوئے گی اندے بائیں بھی روشنی ہوئے گی کیڑے بندے دی جڑا بندہ توبہ کر لیندا ہے حضرت جی ٹائم ہے تیرے کول رمضان دا مہینہ برکتاں والا مہینہ اگر آ ہی گئے ہو نا رب دے دار تے اج سچی توبہ کر کے جانا اللہ بڑے گناہ کر لے اللہ بڑیاں ظلم تے زیادتیاں کر لیاں اللہ جی تیرے دربار تے آ گیا اللہ سے خالی نہیں جانا اللہ سچی توبہ کر کے جانا ہے اللہ تیرے کول معافیاں مانگ کے جانا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اے مسلمانو رب دی رحمت آوازاں مار لیجئے حضرت عبداللہ بن مالک رحمت اللہ علیہ یہ کہندے نے گناہ کرن دی وجہ تو انسان دے دل تے تالا لگ جاتا ہے پھر بندے نو گانا چنگا لگتا ہے قرآن چنگا نہیں لگتا بندے نو جھوٹ چنگا لگتا ہے بندے نو سچ چنگا نہیں لگتا پھر بندے نو گالاں چنگیاں لگدیاں نے بندے نو قرآن سننا چنگا نہیں لگتا پھر موبائل چنگا لگتا ہے رب دا قرآن چنگا نہیں لگتا کیونکہ گناہ کرن دی وجہ تو جڑا بندے دا دل ہے نا اندے تالے لگ جاندے نے لیکن مایوس نہیں
नहीं होना, परेशान नहीं होना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम दी रवायत है, अताइबु ज़म्बिन मन ला ज़म्बा लहू, फरमाया लोगो जेड़ा बंदा पक्की तौबा कर लवेगा अपने रब नू कह देवेगा, अल्लाह 11 महीने गुनाह कीते नहीं, अल्लाह हुण बस हो गई है, अल्लाह तेरे दरबार ते आ गया वा, अल्लाह पक्की तौबा करना वा। फरमाया वो इस तरह हो जांदा है जिस तरह उन्हें जिंदगी च कदे गुनाह कीता ही कोई नहीं, कदे जिंदगी च गुनाह होया ही कोई नहीं। एक होर रवायत पाक सुनना, सही बुखारी दी रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, कुल बनी आदम खताउन व खैरुल खताइना अत्तवाबो, नबी पाक फरमांदे ने इब्न आदम ये जेड़ा बंदा है ना ये गलतियां दा बोझला है, क्योंकि बाबे आदम कोल भी गलती हो गई सी, इहदे कोल भी गलती हो जांदी है, लेकिन मुसलमान बंदा होवे बेहतरीन बंदा होवे अल्लाह नूं चंगा वह बंदा लगदा है जिहदे कोल गलती हो गई परेशान हो गया रब दे दरबार ते आ गया, रब्बा मेरे कोलों गलती हो गई अल्लाह मैं तेरे को माफिया मंगना वा, अल्लाह मैं तेरे को बख्शिश की दुआ मंगना वा। एक होर अजय समझ नहीं आई, एक होर रवायत पाक सुनना, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह को ताला अनु फरमांदे ने कि शैतान अल्लाह रब रहमान नु कहन लगा, ओए मालिका जेड़े तेरे बंदे ने ना मैं इन्हां नु तेरे रस्ते तू हटांदा रवांगा, मैं इन्हां नु तेरे रस्ते तू दूर करदा रवांगा, मैं इन्हां नु तेरे रस्ते नहीं आन दियांगा, मैं इन्हां नूं तेरे सामने नहीं झुकण दियांगा। जदों शैतान ने यह गल की ना मेरे रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, ओए शैताना ओए बेईमाना तू मेरे बंदियां नूं मेरे रस्ते तू ला देवेंगा, उन्हां कोलों गुनाह करा लवेंगा जेड़ा मेरा बंदा होएगा। ओए तवज्जो नाल सुनना, तेरा रब कह रहा है जेड़ा मेरा बंदा होएगा उन्हें कोलों गुनाह हो जाएगा फिर अपने रब दे सामने आ जाएगा, लेकिन मैं ओ रब अपने बंदे नू खाली नहीं मोड़ांगा, अपने बंदे दी तौबा नू जाया नहीं करांगा, मैं अपने बंदे दी तौबा नू कबूल कर लवांगा, मैं अपने बंदे नू सीने दे नाल ला लवांगा, मेरा बंदा गुनाहां दे पहाड़ लैके आवेगा मैं अपनी रहमत दा समंदर लैके आवांगा, मेरा बंदा गुनाह भर के आएगा मैं अपनी रहमत की छाती नाल लागे अपने बंदे दे गुनाहां नूं माफ कर देवांगा। जे अजे भी समझ नहीं आई ते अल्लाह रब रहमान दा कुरान सुनना, अल्लाह फरमांदे ने कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने 11 महीने गुनाह करने वालो तेनू 11 महीने समझ ना आई, हुण तेनू रब ने रमजान दिता ही तौबू तौबतन नसुआ, हुणी रब दे सामने तौबा कर लै। या इबाद अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने रब दी रहमत तू मायूस, रब दी रहमत तू मायूस नहीं होना, जिले रब कह रहा है मेरी रहमत तू मायूस नहीं होना, तू बंदा किंज मायूस हो गया है, अज तेरे कोल वक्त है अपने रब कोलों तौबा कर लै, ते तौबा किंज दी करनी है। आओ जरा सुनना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक औरत आ गई ते आ के कहंदी है, सोनिया सोनिया मेरे कोल गुनाह हो गए ने, सोनिया मेरे कोल गलतियां हो गई ने, सोनिया मेरे कोल खता हो गई ने, सोनिया मेरे को गुनाह हो गया है, सोनिया मेरे को जना हो गया है, वे सोनिया मैनू गुनाह तू पाक कर दियो ना, मैनू गुनाह तू पाक कर दियो। जदों इन्ने गल की ना कहंदी गुनाह करन दी वजह तो मैनू हमल भी ठहर गया है, नबी पाक
फरमांदे ने बीवी जदों तेनू बच्चा पैदा हो जावे फिर दोबारा आ जावी, इस बच्चे का की कसूर है? बच्चा पैदा होया औरत फिर आ गई है, सुने मेरे को गुनाह हो गया है, मैनू गुनाह तो पाक कर दियो ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जदों बच्चा बोल, इधर तवज्जो करो, जदों बच्चा बोलन वाला हो जावे खान पीन वाला हो जावे तू फिर आ जावी, फिर आ गई है, फिर आके कहनीए सोनिया गुनाह हो गया मैनू पाक कर दियो, मेरे को गलतियां हो गई ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मेरे सहाबा इस औरत नू लै जाओ, जाके इनू रजम कर दियो ना। इस औरत ले जाया गया, जाके रजम कर दिता गया, जना करना एडा वड्डा गुनाह है, इत्थे जाके नू रजम कर दिता गया। जदों इस औरत नू रजम कीता गया ना, ते नबी पाक ने फरमाया इंदी मैयत नू लियांदा जावे, इंदी मैयत नू लियांदा गया, मेरे नबी पाक जनाजा पढ़ा रहे ने। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे नबी दा कंधा पकड़ लिया, कंधा पकड़ के कहंदे ने सोणिया मेरे नबी फरमांदे ने उमर चुप कर जा, अगर इस औरत की तौबा नू 70 मक्के दे 70 मदीने दे मुशरकां दे विच तकसीम कर दिता जावे, 70 जनाब बदकारां दे तकसीम कर दिता जावे, इस औरत दी तौबा रब नू इन्नी पसंद आई है, रब नू एडी चंगी लगी है, रब 70 दे 70 नू माफ कर छड़ेगा। इंज दी तौबा करो, इंज दी तौबा करो। एक गम दी कबीले दी औरत भी नबी पाक दे कोल आई सी, आके कहंदी सुनिया गुनाह हो गया, सुनिया मैनू पाक कर छड्डो, मेरे कोल गुनाह हो गया। नबी पाक ने सहाबा नू फरमाया रजम कर दियो। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु दे हाथ दे अंदर एक ऊंट दी हड्डी है, इन्हां ने औरत दे सिर च मारी, हुंदे खून दे चिट्टे जेड़े निकले ने वो हजरत खालिद बिन वलीद दे कपड़ियां ते पै जांदे ने, ते हजरत खालिद कहंदे ने बदकार औरत है, बदनेक औरत है, जांदी जांदी वारी मेरे कपड़ियां नू भी बर्बाद करके चली गई है। मेरे नबी नू पता चलिया, मेरे नबी ने फरमाया खालिद तैनू नहीं पता, अगर इस औरत दी तौबा पूरे मदीने दे गुनाहगारां दे तकसीम कर दीती जावे, मेरे रब नू तौबा उंदी इन्नी पसंद आई है, रब मदीने दे सारे गुनाहगारां नू माफ कर छड़ेगा। इंज दी तौबा करो, इंज दी तौबा करो अपने रब दे सामने। असी ते कदी अद्धा घंटा रब दे सामने रोए नहीं, ओ रोया ते करो, क्या करो रब्बा, गुनाहां दी अंबार लै के आ गया वा, अल्लाह तेरी रहमत तो अलावा मैनू सहारा ही कोई नहीं, अल्लाह तू ही सहारा है। रब्बे कायनात दी कसमे आजी नाल दुआ करोगे रब तेरे गुनाहां नू माफ कर छड़ेगा, अल्लाह तेरे नाल बड़ा प्यार करदा है, बड़ा प्यार करदा है। अल्लाह ते कहंदा है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफु अला अनफुसिहिम ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने आ जाओ आके मेरे माफिया मांग लो। नबी पाक दा सहाबी है, नबी पाक दा एक सहाबी है, रसूल है, सही मुस्लिम दी रवायत है, माइस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ये भी नबी पाक दे कोल आया, ते आके कहंदा सुनिया मेरे कोल गुनाह हो गया, मैनू भी पाक कर दियो ना। नबी पाक फरमांदे ने जा चला जाओ, मैनू लगदा तेरा दिमाग ठीक नहीं है। फिर नबी पाक दे कोल आ गया, अल्लाह दे रसूल जी गुनाह हो गया मैनू पाक कर छड़ो। अल्लाह दे रसूल फरमांदे ने वापस चला जा, फिर आ गया गुनाह हो गया है। नबी पाक जी रातां नू नींद नहीं आंदी, कदे तेरे नाल भी एंजोया होवे, तू गुनाह कर लिया होवे फिर तेनू नींद ना आई होवे, तू सोचिया होवे अगर इस हाल च मैं मर गया ना अल्लाह नू की जवाब देंगा, मैं कब्र च सवालों के जवाब किंज देवांगा।
मैं रब्बुल आलमीन दा सामना किने करांगा। आंदा अल्लाह दे रसूल जी पा कर छड़ो, मैनू रातां नूं नींद नहीं आंदी। नबी पाक साहबा नूं कहंदे ने, साहबा इंदी ज़हनी हालत ठीक है जी? अल्लाह दे रसूल जी ज़हनी हालत ठीक है। फरमाया जाओ इनूं रजम कर दिओ। साहबा ने रजम कर दिता, वापस आए ने। नबी पाक फरमांदे ने, इस सहाबी वास्ते इस्तगफार दी दुआ करो ना। साहबा गल्लां करन लग पए। नबी पाक ने फरमाया, अगर इस सहाबी दी तौबा मेरी उम्मत दे चौथे हिस्से ते तकसीम कर दी जावे, अल्लाह दी तौबा दी वजह करके मेरी उम्मत दे चौथे हिस्से नूं माफ कर छड़ेगा। करो ते सही तौबा, करो ते सही तौबा। तौबा भी इंज करो जिवें साहबा इकराम ने की। रखो अपने गुनाहों सामने रब दे। अल्लाह रमज़ान का महीना अल्लाह आ गया वा। अल्लाह मेरे नाल वड्डा पापी कोई नहीं, अल्लाह मेरे नाल वड्डा मुजरम कोई नहीं। अल्लाह हुण आ गया वा ना, अल्लाह खाली नहीं जाना, अल्लाह तू ते खाली नहीं मोड़दा। अल्लाह मेरे गुनाहों माफ कर दे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। एक होर रवायत पाक सुनना कि अल्लाह अपने बंदियां नाल किन्ना प्यार करदा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 70,000 का लश्कर लिया, 70,000 का लश्कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे ने, किधर जा रहे ने? अखे माफी मंगन वास्ते अपने रब कोलों। जदों रब कोलों इस्तिगफार करांगे, रब बारिश अता कर देवेगा। 70,000 का मजमा, इहदे च तेरे कई सवालों का जवाब है जेड़े अजकल पूछन वास्ते आते ने। औलाद फरमा बरदार नहीं है, मेरे घर रिजक की बरकत नहीं है। 70,000 का मजमा इस तरह बह गया। हजरत मूसा ने अपने रब को दुआ की थी, ते कहंदा है मालिका मैं तेरे को दुआ करना वा, रब्बा मैं दुआ करना वा, रब्बा मैं तेरे को दुआ मंगना वा। अल्लाह मेरे गुनाहों नु माफ कर दे। अल्लाह जेड़े 70,000 बैठे ने ना, इन्हां दे गुनाहों नु भी माफ कर दे। अल्लाह सानू बारिश अता कर दे। मेरे अल्लाह मूसा नाल गल्लां करया कर दे, क्योंकि मूसा नु कलीमुल्ला कहा जांदा है। मेरे अल्लाह फरमांदे ने, मूसा तुहाडे 70,000 दे मजमे दे अंदर एक बंदा जेड़ा है ना, ओपत नेक बैठा है। एक बंदा ऐसा बैठा है जिन्हें तौबा नहीं की थी। 59,999 बंदा नेकियां करन वाला, एक बंदा बदी करने वाला। एक बंदे दी वजह तो बारिश, एक बंदे दी वजह तो बारिश नहीं आ रही। इत्थे हुण जरा सोचो को अपने ज़हन दे अंदर, माइंड दे अंदर, असीं सारे नेक आ। अल्लाहु अकबर। बस्तियां दियां बस्तियां गुनाहगारां नाल भरियां पईयां ने। तौबा कर लो। ऐ बेमौसमियां बारिशां दा आना, ऐ सवालां दा आना, अल्लाह दी कसम रब दे नाराज़ होण दियां निशानियां ने। पर जिन्ने आए जे तुसीं ते रब कोला जी माफ़ी मांग के जाओ ना। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अल्लाह फरमांदे ने, मूसा एक बंदा विच गुनाहगार बैठा है, अगर वह तौबा कर लवे या उठ के चला जावे, असी उन्हें माफ कर छड़ांगे, असी बारिश अता कर देवांगे। अगर उठ के चला जावे, हुण इह जिहड़ा बंदा गुनाह वेखी, हुण रब तेरे नाल किन्ना प्यार करदा है। तू एवें दुनिया के गिले शिकवे, एवें दुनिया के जनाब चक्कर खाँदा फिरना है, एवें दुनिया के धक्के खाँदा फिरना है। अल्लाह के बंदिया, रब वेखी तेरे नाल किन्ना प्यार करदा है। ये जेड़ा बंदा है ना, इन्हूं समझ आ गई मैं गुनाहगार हाँ। अगर उठ के जावांगा, लोगों नूं पता चल जाएगा गुनाहगार है। इन्हें अपने रब दे नाल काल मिला लईए, ते अपने रब नूं कहंदा है, रब्बा मैं गुनाहगार हाँ, सियाकार हाँ। रब्बा या तू जानना है या मैं जानना वा। अल्लाह ये तू उठ के जावांगा, अल्लाह सारियां नूं पता लग जाएगा। ये सारे कहणगे मैं बड़ा वड्डा गुनाहगार हाँ, अल्लाह मैनू शर्म आ रही है, अल्लाह मैनू माफ कर दे। तूबू इलल्लाह की तौबतन नसुआ, जिद्दी वजह करके 59,000 बंदे की तौबा कबूल नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, ये अपने रब नाल मुखातब हो गया है। अल्लाह मैनू माफ कर दे, अल्लाह तू जानना या मैं जानना वा। इन्हें अपने रब नाल काल मिलाइए, मेरे रब ने इन्हें गुनाहों नू माफ कर दिता, मेरे रब ने इन्हू माफ कर दिता। अचानक बारिश शुरू हो गई है, हजरत
حضرت موسیٰ رب نال مخاطب ہوئے نے مالکا اے بندہ تے کوئی اٹھ کے گیا کوئی نہیں، بارش کن جا گئی ہے، اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے نال صلح کر لئیے، میں اپنے بندے نال صلح کر لئیے، اللہ تو صلح کر لیے۔ اچھا اللہ اس بندے دا نام تو دس دے نا مینو، موسیٰ میں کلیم اللہ تیرا سونا نبی، اللہ اس بندے دا مینو نام دس دے۔ اللہ فرماندے نے وہ جلے گناہگار سی میں تینوں بولے وہ نام نہیں دسیا، ہوں تو ساری صلح ہو گئی۔ اللہ تیرے نال بڑا پیار کرتا ہے، اللہ بڑی محبت کرتا ہے، اور جانتے ہو اس بندے دا جرم کی سی؟ وہ بندہ بخیل آدمی سی، چغل خور آدمی سی، چگلیاں کرتا سی۔ اور اگر ایک چگل خور 59,999 بندے دی دعا قبول نہیں ہون دیندا تے اپنے دے گھراں دے گھر چگلیاں نال بھرے پینے، پھر کہندے نے اللہ ساڈی روزی کیوں بند ہو گئی ہے، اللہ ساڈے رزق دے دروازے کیوں بند ہو گئے نے، اللہ ساڈے تے رحمت آنا کیوں بند ہو گئی۔ مر رب تھوڑے نال بڑا پیار کرتا جی، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات دی وقار ذرا غور کرو، اے مسلمانوں توبو اللہ توبہ نصوہ، سچی توبہ کر لو، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اگر سچی توبہ نہ کی دی اسے حال دے اندر چلا گیا، یاد رکھنا رب تیرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اے رب العالمین دی حکمت، ایک اور روایت پاک سننا، صحیح مسلم دی روایت ہے، ایک بندے نے 99 قتل کیتے نہیں، جدوں 99 قتل کر لینے نا تے قتل دے بارے قرآن دے اندر آندا ہے، میں یقتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا۔ اللہ فرماندے نے جیڑا قاتل بندہ ہے نا، رب نے انو کدے معاف نہیں کرنا، انہیں ایک قتل نہیں کیتا، انہیں 99 قتل کر لے رہے، ہن دل دے اندر رب دا ڈر آ گیا ہے، ہن دل دے اندر رب دا خوف آ گیا ہے، ہن دل دے اندر ڈرن لگ گیا ہے۔ اچانک ایک مولوی صاحب دے کول گیا تے کہندا ہے مولوی صاحب جی میں 99 قتل کر بیٹھا ہاں، مینوں کوئی ایسا رستہ دس دے وہ نا کہ میں معافی مانگ سکاں، میں اللہ تو ڈر گیا ہاں۔ مولوی کہندا اچھا 99 قتل، تینوں معافی کوئی نہیں ملنی؟ تو تے معاف نے کہ جتھے 99 معاف نہیں نہ ہونے اوتھے ایک 100 ہی میں کر لینا۔ انہیں اس مولوی نے بھی قتل کر دیتا، 100 ہو گئے، سنچری پوری کر لئی۔ پھر اس سے تگو دو جگہ ٹر پیا، اور کسی کو مسئلہ پوچھنا وا، اگے کوئی مفتی صاحب ملے، عقل مند آدمی ملیا جنوں پتا سی، لا تک نہ تو من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت دوں، لا امید نہیں ہونا۔ ایک ہور مولوی صاحب مل گئے، انہیں کہا حضرت جی کدھر چلے ہو؟ آخے جی توبہ دی تلاش اندر۔ انہیں کہا کیتا کی ہے؟ آخے میں 100 قتل کر بیٹھا ہوں، 100 قتل کیتے نے، ہن کدھر چلنا ہے؟ آخے معافی منگن واسطے۔ حضرت جی میرے واسطے کوئی معافی دا رستہ ہے؟ اللہ اللہ میں قربان جاؤں۔ انہیں کیا بالکل ہے، توبو اللہ کی توبتن نسوہ، سچی توبہ کر لے، اللہ تیرے گناہوں نو معاف کر چھڑے گا۔ اچھا حضرت جی میں توبہ کتھے جا کے کراں؟ فرمایا فلاں بستی دے اندر چلا جا، ایتھے کہ تانوں میں وجہ بھی بیان کرنی ہے کہ انہوں اس بستی دے اندر کیوں بھیجا گیا، بڑی ضروری بات ہے، کیونکہ جیڑی بستی چ رہندا سی اس بستی دا ماحول بڑا خراب سی، اس بستی دے اندر لوگ قتل نو عام سمجھیا کر دے، اس بستی دے اندر لوگ بدماش سی، لوگ گناہگار سی، انہیں کیا فلاں بستی دے اندر چلا جا، اوتھے جا کے رب کولو معافی مانگ لوی، اللہ تیرے گناہاں نو معاف کر دے وے گا۔ اے بندیا ویکھ لے رب تیرے نال کنا پیار کردا اے، اے بندہ جان لگ پیا اجے رستے جے پہنچیا اے تے موت دا پیغام آ گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت دا پیغام آ گیا، اس بندے کول موت والا فرشتہ آ گیا۔ جدوں موت آ گئی نا، اے بندہ دنیا نو چھڈ کر کے جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، اندے کول جنت دے بھی فرشتے آ گئے نے، اندے کول دوزخ دے بھی فرشتے آ گئے نے۔ جنتی فرشتے کہندے نے اسی لے جانا ہے، توبہ کرن چلا سی، جڑے دوزخ دے فرشتے نے وہ کہندے نے اسی لے جانا ہے، اس
बंदे ने अजे तौबा कोई नहीं की थी, सौ कतल कीता है। फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन दे दरबार दे अंदर पहुंचे आओ। अल्लाह रब रहमान फरमांदे ने ओए फरिश्तो की होया है, अल्लाह जी ये जन्नती है या जहन्नमी है? अल्लाह फरमांदे ने जमीन मिण लो, अगर इंदी जमीन अजे तौबा कीती नहीं, फरमाया जमीन मिण लो अगर तौबा वाले करीब है, अगर इंदा सफर तौबा वाले करीब है, इनू जन्नत च लै जाओ, अगर इंदा सफर जेड़ा है ओ दोजख वाले करीब है, तौबा वाले करीब नहीं है, गुनाहां वाले ज्यादा है, फिर इस बंदे नू दोजख वाले लै जाओ। नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा सफर तौबा वाला सी ओ बड़ा लम्मा सफर सी, लेकिन मेरा अल्लाह प्यार करदा है, मेरे अल्लाह फरमांदे ने इन्हें दिल च डर आ गया, ते डर भी किदा आया, अल्लाह दा डर आ गया, अल्लाह दा डर आ गया, अल्लाह दा डर आ गया। तुम्हें अपने दिल च अल्लाह दा डर लैके आना, इन्हें दिल च अल्लाह दा डर आ गया। मेरे रब ने हुक्म दिता जड़ी तौबा वाली जमीन है तू सुकड़ जाना, तू इन्दे वास्ते रस्ते आसान कर दे। तौबा वाली जमीन कंटनाब सुंगड़ गई है, ये सफर थोड़ा पै गया, इनू जन्नत दी फरिश्ते जन्नत दे अंदर लै गए ने। ये रब दा कुरान की कहंदा है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फ़ादख़ुली फ़ी इबादी वादख़ुली जन्नती। सौ कतल किया, सौ कतल हजरत जी ज़हन दे अंदर सिर्फ सोचे अल्लाह मैं तौबा करन चला वा, अल्लाह ने तौबा वाली जमीन ने सुकड़ा दिता और इस बंदे नु जन्नत अता की थी। और मेरे मुहतरम भाइयों मुजरम आए हाँ, मैं भी बहुत बड़ा मुजरम हाँ, साडे रब ने साडे आपां दे पर्दे पाए ने, अपने रब के सामने बह जाया करो, अपने रब को दुआ करे करो, रब्बा तू जानना या मैं जानना वा, अल्लाह गुनाहगार से बड़ा वा, खताकार से बड़ा वा, अल्लाह तेरी रहमत तू मैं मायूस नहीं होया, अल्लाह मेरे गुनाहों नु माफ़ कर दे। ते क्या करो, माफियां दे गल में आज तेरे अल्लाह सोनिया, माफियां दे कल में आज रमजान दा जुमा, अपने रब को दुआ कर लो, माफियां दे कल में आज तेरे अल्लाह सोनिया, गाले पसंद तेनो तेरे अल्लाह सोनिया, गाले पसंद तेनो तेरे अल्लाह सोनिया, चंगा या मंदा अगर तेरा बंदा, चंगा या मंदा अगर तेरा बंदा। ते अपने रब नूं किया करो, आंदे आंदे हो गईए देर अल्लाह सोनिया, आंदे आंदे हो गईए देर अल्लाह सोनिया, माफियां दे कलम अज तेरे अल्लाह सोनिया। हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब को माफियां मंगनिया ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा दरबार है। आखिरी रवायत पाक सुना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह दे दरबार दे अंदर एक बंदा आएगा, एक बंदा आएगा, इन्हें बुरी जिंदगी कोई गुनाह नहीं कीता। मेरे रब्बुल आलमीन पुछणगे, ओए बंदिया मेरी रहमत दे नाल अपनी जन्नत दे अंदर चला जा। कहेगा रब्बा सारी जिंदगी मैं गुनाह कीता कोई नहीं, अल्लाह हुण तेरी रहमत नहीं चाहिदी, अल्लाह मैं अपनी नेकियां दे सिर जन्नत चला जावांगा, अल्लाह मैनू रहमत नहीं चाहिदी, अल्लाह मैं नेकियां दे सिर च जन्नत चला जावांगा। अल्लाह रब रहमान फरमानगे, ओए बंदिया ओए मेरे फरिश्ते हो, इंदी एक अग कढ़ के एक पलड़े दे अंदर रख दिओ, इंदियां सारियां इबादतां एक पलड़े दे अंदर रख दिओ, इंदी एक अख नूं एक पलड़े दे अंदर, सारियां इबादत एक पलड़े दे अंदर, जेड़ा अख वाला जनाब होए ना वो पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह फरमान गे, बंदिया सारी उम्र रहिंदा रहा है, तू ते एक अख दा जनाब जराना अदा करके नहीं आया, मैं तुहानू भी कहांगा ओए नमाजियो
अपनी नमाजा ते मार ना करना, रोजेदार हो अपने रोजिया ते मार ना करना, अपने रब की रहमत ते मान करना, अपने रब को रहमत का सवाल कर दिया रहना। अगर तेरे रब की रहमत ना हुई ना, रब ने तेरे गुनाहों नु माफ नहीं करना, रब ने माफ ओनु करना ही जिदे ते रब की रहमत होएगी। अल्लाह फरमान गे इस बंदे दियां रहमतां थोड़ियां हो गईयां, इन्नू रहमत नहीं चाहिदी, इन्दे अमल कम हो गए ने, मेरे फरिश्ते इन्नू दोजक दे अंदर सड़ दिओ, इन्नू फरिश्ते दोजक वल्ले लैके जा रहे ने। ओ वेखी रब तेरे नाल किन्ना प्यार करदा ई, इन्नू फरिश्ते दोजक वल्ले लैके जा रहे ने। ते ना मुड़ मुड़ के पिछा वेंदा, मुड़ मुड़ अल्लाह फरमांदे ने हुण पिछा की वेना बेलिया, कहंदा अल्लाह मैनू तेरे कुरान दी ओ आयत याद है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह मैनू आयत याद आ रही है, अल्लाह तू अपनी रहमत तू किसी नू मायूस नहीं करदा। अल्लाह फरमान गए मेरे बंदे हो और मेरे फरिश्ते हो, इन्नू वापस लैके आओ, इन्नू मेरी रहमत ते यकीन आ गया है, इन्नू मेरी रहमत दे नाल जन्नत दे अंदर दाखिल कर दियो, जन्नत फिर मिलेगी। तौबतन नसूहा, अगर सच्ची तौबा कर लोगे, अगर सच्ची तौबा ना की थी, याद रखना अल्लाह रब रहमान ने जन्नत नहीं हो देनी। आ जा हुण कर ले तौबा, आ जा हुण कर ले तौबा, सच्चे दिल नाल भाई आज नहीं ते कल यारा, मौत है सिर ते आई आज नहीं ते कल यारा, मौत है सिर ते आई, जिंदगी दी डोर बंदिया जाना ही छोड़ बंदिया, जिंदगी दी डोर बंदिया जाना ही छोड़ बंदिया, रब नू गुण राजी कर ले जाना ही छोड़ बंदिया। हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुसलमानों आखरी पैगाम नोट करना, अपने रब कोलो तौबा कर लो। हे रमजान दा महीना बरकतां वाला महीना, हे रमजान दा महीना रहमतां वाला महीना, इस रमजान दे महीने दे अंदर बल्कि अज जुमे तो बाद ही अपने रब दे सामने बह जाना ते कहना अल्लाह मैं सच्ची तौबा करना वा, अल्लाह यारह महीने गुनाह करदा रहा वा, अल्लाह जना मैं कोई नहीं छड़िया, अल्लाह गुनाह मैं कोई नहीं छड़िया, अल्लाह वड्डा पापियां अल्लाह या तू जाने या मैं जाना, अल्लाह हुण तेरे दर ते आ गया वा, तू मेरा मालिक है मैं तेरे कोल माफी मंगना चाहना वा। जदों रब कोल माफी मंगोगे ना, रब इंज माफ करेगा जिवें यूनस नूं मछली दे पेट अंदर माफ कीता दी। जदों रब कोल दुआवां सच्चे दिल नाल करोगे, जदों रब कोल दुआवां अकीदत दे नाल करोगे, जदों रब नूं वास्ते पाके रब नूं तरले पाके रब दा कुरान पढ़ के माफियां मंगोगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजानुल मुबारक दे महीने दे अंदर रब सब नालों ज्यादा गर्दना नूं जहन्नम तो आजाद करदा है, यानी कि तकदीर लिखी जा चुकी है कौन जहन्नमी है कौन जन्नती है। लेकिन इस महीने दे अंदर रब तकदीरां दे फैसले कर देंदा है, इस महीने दे अंदर रब तकदीरां बदल देंदा जे, रब तेरे वास्ते जन्नत दा ऐलान कर देवेगा। अज रब नाल वादा करके जाओ, अल्लाह जुमे तो बाद अज असी इंशाल्लाह रब्बा तेरी रहमत तो मायूस नहीं होना, तेरी रहमत तो पीछे नहीं हटना। अज अल्लाह सुनिया अज असी माफी मांग के जावांगे, ओए कह दियो इंशाल्लाह असी अज माफी मांग के जावांगे, अज गुनाहों नु माफ करा के जावांगे, अज कह के जावांगे अल्लाह असी तेरे ते राजी हां, तू साडे ते राजी हो जा। मेरे रब ने एक बारी भी कह दिता ना है फैसला बाद एक बाबा जी वो एंजी क्या कर दे, अल्लाह मैं तेरे ते राजी हां, मैं तेरे ते राजी हां, कोई फौत हो जाना ते बाबे ने कहना अल्लाह मैं तेरे ते राजी हां। किसे ने पूछिया बाबा जी इंज क्यों कहंदे हो, कहंदे ने सारी जिंदगी लंघ गई मैं
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਸਨਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕੈਸੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਮੌਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਰਹਿਮਤ ਦੇ 100 ਦਰਜੇ ਨੇ, 100 ਦਰਜੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਗਿਰ ਸੁੱਟਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਮਦ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ 99 ਦਰਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੇ, ਇਸ ਸਾਹ ਕੇ ਹੈ ਦੋ ਜਹਾਂ, ਇੱਕ ਯੇ ਜਹਾਂ ਇੱਕ ਵੋ ਜਹਾਂ, ਅਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਜਹਾਂ, ਅਗਰ ਰੁਕ ਗਈ ਤੋ ਵੋ ਜਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਸਾਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸਾਹ ਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਫਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਦੁਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਮਾ ਤੌਫੀਕ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾਹ ਹੀ ਲਈ।